अब तक की सबसे बड़ी खबर। तुर्की और इसराइल के हवाले से इंतहाई अहम खबर निकलकर सामने आई है। फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले इसराइल के खिलाफ तुर्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तैयब उर्दगान ने आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इसराइल के खिलाफ फौजी सतह पर क्या इकदाम उठाने का ऐलान किया है। इस हवाले से तैयब उर्दगान की वीडियो आपको दिखाने से कबल दोस्तों सबसे पहले इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो पैगाम दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर कब्जे के बाद आज के दिन इसराइल पर शाम की जानिब से 240 मिसाइल दागे जा चुके हैं जिसमें इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब जहां बाकी दुनिया इसराइल के गैर इंसानी सलूक पर खामोश है वहीं तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा है कि मैं मुस्लिम दुनिया को ये कहना चाहता हूं कि अब जुबानी बातों का वक्त चला गया, तुर्की से अब जो हो सकेगा वो करेगा और इसराइल को जुल्म करने से हर कीमत पर रोकेगा।